फिर हिरनी जो है वो शेरनी बन जाती है। हाँ, और हिरन के गुफा में घुस जाती है। समझ में आई बात? समझ गया। हिरन गुफा में चली जाती है। हाँ, गुफा शेर की होती है ना? हाँ, अरे गुफा का मतलब घर, हिरन का घर, घर बोल रहा हूँ मैं। हिरन का घर? हाँ, हिरन का। ये अभी भी यहीं पे है। इसने बहुत पकाया होगा ना आपको। आप चलिए, मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी। चलिए चलिए। बाबा को मैंने पकाया कि माल है यार, माल है। ये है हिरनी और ये है हिरन और ये है शेर जो है हिरनी का बाप और ये है बड़ा हिरन जो है हिरन का बाप। समझ गए? एक मिनट वापस से बताइए, समझा नहीं मैं। हाँ प्लीज। ओके ये है हिरनी, ओके, और ये है हिरन। हाँ। ये है शेर जो है हिरनी का बाप और ये है बड़ा हिरन जो है हिरन का बाप। समझ गया। आई थिंक ये है हाथी जो पहले हिरनी का बाप था, बाद में फिर शेर जो हिरनी का बाप हो गया, है ना? ये हाथी नहीं है, ये दूध है। दूध मालपानी, अगर ये दूध है तो ये तो सॉस हुआ ना। हाँ। नहीं नहीं, ये है हिरनी का बाप। अरे यार तू कंफ्यूज कर रही है। ऐसे क्या कंफ्यूज यार, तू भी कहाँ है, लोगों की बातों में आ गई। ये दोनों के ऊपर के माले खाली है। अरे नहीं अंकल, मैंने अपना ऊपर का माला भाड़े पे दे दिया है। और मेरा ऊपर का माला है ही नहीं, मैं बंगलों में रहती हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। सुन ले। हाँ अंकल, ये दोनों तो ऐसे ही छे। अंकल पगड़ी वाले अंकल ने तो आज दिमाग का दहेज कर दिया। मतलब शेर शेरनी हाथी पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए थे। मैं समझाती हूँ देखो। हाँ, गाइस आई नीड हेल्प यार, कैसे समझाऊं। हाँ, ये समझो कि ये हिरनी है, ठीक है, ये हिरन है, ठीक है, ये शेर है, ये शेर का भी बाप है और ये हाथी है। एक सेकंड, मुझे बोला फिर से। मालपानी मुझे एक बात बताओ, ये कहानी तुम लोगों ने बाबा को बताई है या बाबा ने आप लोगों को बताई? बाबा ने हम लोगों को बताई। ये तुम्हारी बेबी ने हमको बताई, बाबा ने बताई। I got it. इधर आओ। अब मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ये है हिरनी जो है फिल्म की हीरोइन, ओके? और ये है हिरन जो है फिल्म का हीरो। और ये क्या है? ये है दूध। ये है हाथी जो है हिरनी का बाप। ये स्टोरी का मेन विलन, ये स्टोरी ना लोखंडे जी की स्टोरी से बहुत मिलती जुलती है। वाह, व्हाट अ स्टोरी। मुझे लगता है मैं इसको फाइनेंस करूंगी। आई विल फाइनेंस इट। यस, आई विल फाइनेंस इट। यस, मुझे यू वांट टू बी क्या ये रे? देखिए, आज तक अभी बाबा ने ना हमसे इस तरह से कहानी में बात नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा हमसे कुछ कहना चाह रहे लेकिन कह नहीं पा रहे। बेटा, मुझे तो लग रहा है कि उन्हें हमारा कोई राज पता चल गया है। कौन सा राज? ये पता नहीं। ये देखिए, उस मेंढक ने अपनी बीवी की फोटो हटाकर मेरी फोटो यहां पे डाल दिया ट्रिक फोटोग्राफी से। लेकिन तू ऐसे कैसे कह सकती हो कि पहले उसकी बीवी का ही फोटो वहां? पापा, ये शेरवानी देखिए ना, ये वही शेरवानी है ना जो वो आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। तो ये फोटो उसके शादी की है और शादी के फोटो में उसके साथ उसकी बीवी होगी ना, और कौन होगा? ये तो सही बोल रही है ना। दूसरा क्या पता नहीं, ये शेरवानी पहनकर वो कितनी बार दूल्हा बना होगा।
तो फिर अभी इसकी गर्दन पकड़नी पड़ेगी मुझे। नहीं नहीं बाबा, अब तक पक्का सबूत नहीं मिला है, पक्के सबूत की जरूरत है। हाँ। अच्छा। अब तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, उसके शादी के इस राज का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। गर्दन अकड़ी हुई थी पर इस एक्सरसाइज के वजह से फ्री हो गई। देखो कितनी अच्छी मूवमेंट है अभी, है ना? मालपानी, इधर हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज नहीं कर रहे ले। वो जय भाई को पगड़ी वाले अंकल जो हिरन हिरनी की कहानी बता के गए ना, उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे ले, समझी? यहाँ जय परेशान है, हम परेशान है, और तुम जो ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहां से आते हैं? बताती हूँ, बताती हूँ। वो क्या है? मिस माल पानी, आपको जो कुछ भी बताना ना, आप दीपक को बता दीजिए, वो मैं बाद में बता देगा। हाँ। भाई मुझे क्यों बचा रहा है? अरे तू चुप ना यार। मिस माल पानी, हमें सोचना है, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए, आप आराम से बैठ जाइए और हमें सोचने दीजिए। ओके क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ बेटा आओ। मैं आप सबके लिए चाय लाई हूँ। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? ठीक क्यों तकलीफ ली बेटा तुमने, क्यों तकलीफ? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? आप अब मेरे पिताजी बनेंगे। आप माजी, आप मेरी ननन और आप मेरे देवर। और आप शर्मा गई। तू क्यों क्या शर्मा गई? चुप है। माजी, आप ना मुझे जय की पसंद का खाना बनाना सिखा दीजिए। you know? मैं कैसे खाना बनाना सिखा सकती हूँ? मुझे ना सिर्फ पानी उबालना आता है। माँ माँ तो जय भाई को मीठे मीठे ताने मार रही है। क्या है ना, हमारे जय भाई का रहन सहन, खाना पीना बड़ा ही सादगी वाला है। वो तो सिर्फ खिचड़ी खा के दिन गुजार लेते हैं, इसलिए हाँ। माँ की जो इच्छाएं होती है ना कि तरह तरह के व्यंजन बना के भाई को खिलाए, वो धरी की धरी रह जाती है, इसलिए माँ ऐसे ताने मार रही है। इतना नसीब वाला हूं मैं कि मुझे माँ की खिचड़ी के साथ साथ माँ के ताने खाने मिलते हैं, और ये ताने ना, ये ताने तो मिठाई के बराबर हैं। बराबर। माँ, माँ, थैंक यू माँ। Thank you. अब कुछ ही दिनों में माजी के साथ साथ मैं भी तुम्हें मारूंगी। मीठे मीठे ताने। अच्छा। शी, ये कितना गंदा वाला था ना, अभी तक बाहर भी नहीं गई।
अरे वाह वाह वाह, जय 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 जय, इसे कहते हैं ताने ताने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे मेरा मतलब तेरा नाम, तेरी तो निकल पड़ी मेरे भाई। शांति 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 भाई, शांति। बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है भाई। मैं अपनी जया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जरूर उसके मन में ना कोई खिचड़ी पक रही है। That just think, जब भी जया मुझे देखते ना उसका मूड खराब हो जाता है, वो नाक चढ़ाती है, मुंह फुलाती है। अब आज अचानक अचानक इतनी मीठी, वो भी इतनी मीठी मीठी बातें। नहीं, कुछ गड़बड़ है, 100% कुछ गड़बड़ है। पॉइंट है यार, है ना? क्या क्या क्या? तू क्या ढूंढ रहा है? फोन। तुझे कैसे पता चला मेरा फोन गायब हो गया है? मैं तो मेरा फोन ढूंढ रहा हूँ। तू तेरा भी गायब हो गया? तेरा भी मतलब आपका भी फोन गया? हाँ मेरा भी गायब हो गया। कहाँ रखा था? आपने कहाँ रखा मुझे क्या पता? अरे गधे, तेरा फोन कहाँ रखा था वो भी मुझे नहीं पता। तो फिर मेरा कहाँ रखा था? अरे वो आपको नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? तू क्या गधा है क्या रे तू? सुधाकर भैया आपका फोन मेरे पास है। बाबा आपका भी फोन मेरे ही पास है। लेकिन मेरा फोन आपके पास? मुझे किसने फोन किया? बाबा का। अरे आपने मुझे क्यों फोन किया? अरे मैंने कहा किया फोन? ठाकर भैया मैंने बाबा के फोन से आपके फोन पे फोन किया है? लेकिन ऐसा क्यों किया? बाबा मैंने आपके फोन से इस फोन पे फोन करके प्रेमचंद जी के कमरे में छुपा दिया है फोन। परिवार के सब लोग है ना, वो कुछ तो बात कर रहे हैं, हम सब सुन सकते हैं। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज गाइस, प्लीज 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 बी वेरी वेरी केयरफुल, गलती से भी कोई गलती मत कर देना, बहुत भारी पड़ेगी। जय जय बेटी। पापा धीरे धीरे, फोन चालू है ना। जय बेटी, ये सही नहीं है, ये ऐसा खुल्लम खुल्ला दूसरों की बातें सुनना, ये तो जासूसी हो गई ना। पापा खुल्लम खुला नहीं, छुप छुप कर, जासूसी छुप छुप कर ही होती है ना। ये भाई तुम टेंशन मत लो ना, बापा है तुम्हारे साथ। जब भी आपकी नैया डूबने वाली होगी ना, देखना बापा कैसे ना कैसे करके आपकी मदद जरूर करेंगे, देखना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी नैया में कितनी छेद तुझे पता है? और हमने उनसे कितना कुछ छुपाया है। देखा बाबा, दीपक ने कहा कि उसने हमसे कितना कुछ छुपाया है। छुपाया बोला कि चुकाया बोला? चुकाया ही, मैंने भी चुकाया ही सुना, इसलिए मैं नीचे बैठकर वापस सुनने वाला था। बाबा कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि आप मेरे पक्ष में हो कि उनके पक्ष में हो। कैसी बात कर रहे बेटे, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। सुधाकर भैया आपका फोन भी ना, आवाज ही नहीं आ रही अभी। एक काम करो जया दीदी, कट करके वापस लगाओ। अरे कुछ कर, ये तो पूरी वाट लग जाएगी। टेंशन मत लो काका, बहुत कम बैलेंस है, अभी फोन कट जाएगा। अरे गधे, मेरे फोन के ऊपर से तेरे फोन पे फोन किया है ना, तो तेरा बैलेंस खत्म कैसे होगा? एक सेकंड, मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग जया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, जया साफ साफ बता दो क्या तुम्हें हमारी असलियत के बारे में पता है, हाँ या ना, बोलो। क्या इसका क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जया को मेरी शादी के बारे में पता चल गया है? नहीं बेटे, अगर ऐसा होता तो वो तेरा कॉलर पकड़कर तुझसे पूछ लेती और फिर शादी करने से इनकार करती। हाँ।
देखा बाबा, जय और उसके पिताजी दोनों ने ये कहा कि जय की शादी हो चुकी है। अब आपको समझ में आया क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर? अरे सुधाकर बेटा, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेटे? छोटा सा चक्कर आ गया था काका। तो वो अभी टूटा फूटा फोन दे मेरे पास। हाँ एक। अरे बेटी माफ कर दो। ओ माफ कर दो, क्या हो गया? सबूत मिलने वाला ही था और फोन टूट गया, माफ कर दो बेटी। बाबा सबूत मिल गया है। आपने सुना ना, जय और उसके पिताजी दोनों ने कहा उसकी शादी हो चुकी है और मैंने इस फोन पे ना रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी थी। लेकिन फोन तो टूट गया ना। अब देखिए फोन चालू है। अब यह रिकॉर्डिंग जय और उसके परिवार को जेल भेजकर ही रहेगी। काका, काका अब चक्कर से क्या फायदा? नहीं 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 नहीं, ये अंधेरे में तीर छोड़ के ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या हो? या कहाँ अंधेरा है? सिर्फ आमे आमे लाते हैं। हाँ, अब हो गया अंधेरा। करेक्ट। कितने? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाके लोखंड जी से बात करनी चाहिए। ये ऐसी फीलिंग है कि वो कुछ जानते हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। जाना हूं। कैसे रोकू हूँ बेटी को अभी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुधाकर। अरे कुछ सोचो तो सही। हाँ ऐसा लगता है भगवान को बोल दूं, किसी दूत को भेजो और संकट से बाहर निकालो। काका सोचो सोचो कुछ सोचो काका। मैं आपके दिमाग को बाहर से जोर दे रहा हूँ, आप अंदर से जोर दो। अरे वो तो कब से दे रहा हूँ और कितना दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भगवान बचा लो मुझे। अरे अरे ये आ गया बेटे, आ गए। बाबा मुझे एक बात सच सच बताइए, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है बाबा कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन किसी वजह से आप मुझे कह नहीं पा रहे? अरे बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे तो सुधाकर को पूछ लो। नहीं है। तो फिर आप दोनों ऐसे हाँ मैं सर क्यों हिला रहे? अरे अभी कैसे बताएं काका। वापस एक बार हिरण हिरनी की कहानी ट्राई करो ना। एक होता है हिरन, एक होती है हिरनी। उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था, फिर एक श्राप मिला, वो एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद हिरनी हिरन को भूल गई, फिर पूरे जंगल के प्राणियों ने ये योजना बनाई कि इन दोनों को मिलाते हैं। ये बात जब हिरनी को पता चली उसे बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं हिरन की शक्ल भी नहीं देखूंगी। फिर हिरनी को पता चला कि हिरन किसी और से प्यार करता था तो उसे और भी गुस्सा आया। हिरनी शेरनी बन गई, उसके पीछे पड़ गई, उसकी गुफा में घुस गई। यही है ना कहानी? समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आया। यही तो है ना, कुछ समझ में नहीं आया बाबा। जब से मैंने ये कहानी सुनी है ना, मुझे चारों तरफ हिरण हिरनी हिरण हिरनी हिरण हिरनी हिरण हिरनी यही दिखाई दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही तो कह रहे हैं चारों तरफ मत देखो। तो फिर कहाँ देखू? अरे अंदर देखो। अंदर कहाँ? उधर नहीं रहे तो फिर कहाँ? अंदर अंदर खुद के अंदर देखो। अरे अपने अंदर कहाँ? अपने अंदर जाकर देखो। अरे सुधाकर जी अपने अंदर सोचो सोचो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.